अस्सलाम वालेकुम। आज के शॉर्ट से लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर है वो है गुड फीचर ऑफ रिग्रेशन मॉडल। ये हम एक सीरीज़ चलाएंगे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस की, जिसके अंदर हम जो रिग्रेशन मॉडल के फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो रिग्रेशन मॉडल्स के गुड फीचर के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है वो है हाई आर स्केयर। बेसिकली आर स्केयर होता क्या है? आर स्केयर आपको ये बताता है कि आपके मॉडल के अंदर जो आपने एक इकोनॉमिक्स का मॉडल बनाया है, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बनाया है, उसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितने परसेंट आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर जब आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, आपने कोई भी इकोनोमेट्रिक्स मॉडल रन किया है, OLS रन किया है, ARDL रन किया है, या जो भी आपने स्पेसिफिक कोई भी एक मॉडल रन किया है, उसके अंदर जो आपके पास आर स्केयर की वैल्यू आती है वो आर स्केयर की वैल्यू आपको ये बताती है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कितने परसेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्ट हो रहा है। और आम तौर पे कहा यह जाता है कि जो आर स्केयर की वैल्यू है वो अगर 60% हो, 0.6 हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मॉडल उतना ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि 60% वेरिएशन जो है वो आपके उन वेरिएबल की वजह से आ रही है जो आपने अपने मॉडल के अंदर शामिल किए हैं। और जितना आर स्केयर की वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान होती है। अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर ही नहीं रहे, और अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना परसेंट है चेंज है वो 100% उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है जो आपने अपने मॉडल के अंदर शामिल किए हुए हैं। तो इसकी समरी ये है कि आर स्केयर जितना क्लोज टू 0 है उतना ही आपका मॉडल वर्स है, उतना ही मॉडल गुड फिटेड नहीं है। जितना आपका आर स्केयर क्लोज टू 1 होगा उतना ही आपका मॉडल अच्छा है, और उतने ही आपने वेरिएबल अच्छे सेलेक्ट किए हुए हैं, तभी वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं।